Your mama, yes. And my name is Varun. Varun? Varun. Varun. Yeah. सामने खड़ी हुई है मेरी 72 नंबर की बस जो मुझे लेके जाएगी यहाँ से सिटी सेंटर। और किसी ने बताया कि ये रास्ता मुझे फॉलो करना है तो मैं पहुँच जाऊँगा अपने हॉस्टल। करीब 10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। ये जितने भी ये सारे सार्वजनिक बर्तन हैं, ताकि ये जो पैन्स हैं ये सारे किसी और के काम आ सके, इसलिए अब मैं इसको खाली कर रहा हूँ, इसको धोऊंगा, धो के रखूँगा ताकि अगला आके इसका इस्तेमाल कर सके। एक बज गए हैं दोपहर के और बैठा हुआ मैं काम कर रहा था लैपटॉप पर, और ये रिसेप्शन है बेसिकली, और यहाँ पर इंटरनेट अच्छा आता है। ये जो बेसिकली एरियाज़ का नाम है इन्होंने बताया दौड़चोल, दौड़चोल बिल्कुल सिटी सेंटर है, तो वहाँ से मैं कुछ सामान खरीद के लाता हूँ। फ़िलहाल मेरा फ़ोन आ रहा है। एक्चुअली कुछ नया एक कॉन्सेप्ट कुछ मिला मुझे, लगा कि ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको फॉरेन ट्रिप्स करते हुए ख़ासतौर पर ऐसे कंट्रीज़ में जहाँ पर इंग्लिश लोग कम जानते हैं, वहाँ अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो बहुत फ़ायदे में रहेंगे। आज मैंने किया। मेरे पीछे जो जनाब बैठे हुए हैं ये बेसिकली यहाँ के जो मैनेजर हैं। मैंने पूछा कि मेरे इस हॉस्टल के आसपास में ऐसी कौन कौन सी जगह हैं जहाँ मैं जा सकता हूँ खाने के लिए, मतलब डिपार्टमेंटल स्टोर या ग्रोसरी स्टोर या सुपर मार्केट्स कहाँ कहाँ पर। इन्होंने बताया कि हार्डली मतलब कुछ दूर पर ये ब्रांड है जैसे मैक्सी नाम है उसका, जिस स्टोर में मुझे जाना है। अब मैं जाने ही वाला था, मैं यूजुअली ऐसे चल पड़ता था, तभी मैंने सोचा कि मैक्सी की वेबसाइट पर जाकर देखता हूँ। अब वो सर्बियन लैंग्वेज में थी। गूगल क्रोम ब्राउज़र पे एक ये फ़ायदा होता है कि आप अपने किसी भी फॉरेन लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकते हो। मैंने इसको ट्रांसलेट किया इंग्लिश में और अब पता चला कि वहाँ पर सेल में क्या है, खाने के प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं। अब ये भी बता रहा है कि इसमें क्या क्या है, इंग्लिश में बता रहा है कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, इसको बनाने का तरीका। आप गर्म पानी में इसको 10 मिनट तक उबालो और ये बन जाएगा। हॉस्टल में ये सारी चीज़ें तो होती ही हैं। तो अक्सर मैं जो डिपार्टमेंटल स्टोर में जाके लोगों को ढूंढता था, अब मुझे डिपार्टमेंटल स्टोर जाने से पहले ये पता है कि बेसिकली मुझे ख़रीदना क्या है विद द प्रोडक्ट नेम। मैं इनफैक्ट चाहूँ तो उसका स्क्रीन शॉट लेके सीधा स्टोर में जाके दिखा सकता हूँ कि मेरे को ये चाहिए। ये अच्छी चीज़ है। तो अब मैं एक सुपर मार्केट में जा रहा हूँ और क्या किया, जैसे हम लोग अपनी वो बनाते हैं अपना कार्ट बनाते हैं अमेज़ॉन पर शॉपिंग जब करते हैं, जो जो सामान लेना होता है उसको कार्ट में ऐड करते रहते हैं, तो वो सब ऐड कर लिया। इनफैक्ट उसकी वो भी डाउनलोड कर लिया ऐप। जो जो सामान मेरे को चाहिए था, फॉर एग्ज़ाम्पल चावल चाहिए था, मुझे दूध चाहिए था, ब्रेड चाहिए थी, न्यूटेला चाहिए था, दूसरे स्प्रेड्स चाहिए थे, जो जो चाहिए था वो सब एक कार्ट में ऐड कर लिया है। इन केस मुझे वो चीज़ समझ में नहीं आएगी तो मैं उनको दिखा सकूँगा कि मेरे को ये सब चाहिए, वो उनकी लैंग्वेज में है, उनको दिख जाएगा और बता देंगे ठीक है ये प्रोडक्ट यहाँ पर है। लोग बड़ा मुड़ के देख रहे हैं कैमरा की तरफ। अच्छा लग रहा है यहाँ व्लॉगिंग करना। यहीं कहीं था मैक्सी नाम का एक स्टोर जहाँ से मुझे शॉपिंग करनी थी, पता नहीं कहाँ चला गया, ज़रा गूगल मैप्स में चेक करता हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि विदेश में इस तरीके से किसी भी सुपरमार्केट या डिपार्टमेंटल स्टोर से सामान खरीद के खाना बनाना हमेशा सस्ता पड़ता है रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाने से। और अगर आप मेरी तरीके से वेजिटेरियन हैं तो सुपरमार्केट्स की वजह से आप दुनिया में कहीं भी सर्वाइव कर सकते हैं आसानी से। मैं एक बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ, यहाँ सब लोगों ने मास्क लगा रखा और मैं नहीं लगा रहा हूँ, फटाफट लगाता हूँ। एक्चुअली हॉस्टल में था ना, वहाँ किसी ने नहीं लगा रखा था, तो इसलिए ऐसा लगा यहाँ कोई नहीं लगाता है, बट यहाँ आया हूँ तो मुझे लगाना चाहिए। मैंने फ़िलहाल मैक्सी इस स्टोर से क्या क्या सामान लिया ये दिखा देता हूँ। ये सीरियल्स हैं, ये कुछ है क्या है पता नहीं, ये म्यूसली है और ये रहा दूध, और ये नूडल्स हैं सिर्फ यही वेजिटेरियन, नमकीन है मेरे को ये नज़र आया, और मंचिंग के लिए ये भी लेकर आया हूँ। और एक और मैंने कार्ड से पे किया था, जो नियो वाला कार्ड है मेरा, कितने पैसे कटे हैं
1053 दैट्स इट कि मैंने लिया है सारा इस वाले स्टोर से, इसका नाम मैक्सी। ज़्यादा टाइम नहीं लगा यहाँ पर, लोग इंग्लिश क्योंकि जानते हैं, हेल्पफुल भी हैं, अच्छी बात ये है। मैंने जिससे भी मैंने पूछा कि मुझे कुछ हेल्प चाहिए तो लोगों ने आराम से बता दिया। ट्रॉली यहाँ रखने के बाद आ गया हूँ बाहर। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिली, ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ में, मतलब जहाँ जहाँ छोटे शहरों में या शहर के जो बाहरी हिस्से होते हैं, जहाँ रेजिडेंशियल एरियाज होते हैं, वहाँ पर मैंने एक चीज़ देखी थी। जो इस तरह की जो छोटी सड़कें होती हैं शहर के अंदर, खासतौर पर जहाँ रेजिडेंशियल एरियाज होते हैं, यूरोप में मैंने एक चीज़ देखी है कि वन वेज होते हैं। अब ये जो सड़क है ना, सारी कार इस तरफ एक ही डायरेक्शन में खड़ी हुई है, इस तरफ जाने वाली। अब यहाँ पर भी सब इस तरफ जाने की दिशा में खड़ी हुई हैं, तो ट्रैफिक सिर्फ या तो इस डायरेक्शन में जाएगा यहाँ से, मतलब पीछे से जो कार आ रही है सिर्फ यहीं जा सकती है, मतलब पीछे से जा सकती है, आप इस तरफ नहीं जा सकते, तो वन वे ट्रैफिक है। वेयरएज अगर आपको उस तरफ जाना है तो अगली सड़क से आप सिर्फ उस तरफ जा सकते हो, मतलब आपको गर्दन को दाएं बाएं करने की ज़रूरत नहीं है, ख़ासतौर पर ऐसे इलाके में। यहाँ ट्रैफिक इंडिया के मैं अभी भी वैसे देख रहा था, इधर उधर देख रहा था, तो यहाँ ट्रैफिक एक अलग डायरेक्शन से आता है, अलग डायरेक्शन से आता है, मतलब पीछे एक मोहतरमा थी वो रुक गई थी मेरे हाथ में कैमरा देख के, अच्छा है मैं तो बम लेके घूम रहा हूँ अपने हाथ में, लोग वैसे ही खबरदार हो जाते हैं। नाइस, लोग एटलीस्ट स्माइल करते हैं। सामान रखना भूल गया मैं, सीधा अपने रूम में चला गया था, जो मैंने स्टोर से ख़रीद के लाया हूँ उसको मुझे फ्रिज में रख देना था। और आपको ये भी बताना था कि कोई भी सामान आप ख़रीद के लाते हैं, आपका अपना सामान है जो आपको औरों के साथ में शेयर नहीं करना है, तो बेहतर है इस पर अपना नाम लिख देना है जो भी चीज़ है। तो मैं दूध कम से कम फ्रिज में रख देता हूँ, उस पर नाम लिख के। ये जनाब कुछ बना रहे हैं, अच्छा लग रहा है इनको देख के। एक नई सुबह शुरू हो चुकी है, 10:35 हो रहे हैं और आज तारीख है 8 सितंबर, मेरी मम्मी का जन्मदिन है आज, तो हैप्पी बर्थडे माता श्री। शायद पिछले साल आज ही के दिन मैं निकला था किर्गिस्तान के लिए, और फ़िलहाल आज मैं जा रहा हूँ एक टूरिज़्म डिपार्टमेंट के पास में कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए अपने ट्रिप से जुड़ी हुई, और कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो मुझे लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है अगर आप यहाँ सर्बिया आने का प्लान करें तो इस वक्त या कभी भी। हॉस्टल से आज मैं चेकआउट कर रहा हूँ और पैसे मैंने दे दिए हैं, मैंने इनसे कहा कि रसीद ज़रूर तैयार रखना। सुबह सुबह आते ही इन्होंने मुझे दे दिया था वाइट पेपर, जिसको बेला कार्ता भी बोलते हैं, जो एक तरीके से रजिस्ट्रेशन है और वो ज़रूरी है। हालांकि इन लोगों ने कहा कि पूरे सर्बिया में आपसे कहीं पर भी चेक नहीं किया जाता है, बट बेहतर है रख लें आप। तो सिंपल सा एक कागज़ है जिसमें कुछ डिटेल्स हैं, उनकी स्टैम्प और सिग्नेचर हैं उसमें, यही कागज़ था वो जिसकी स्टैम्प और सिग्नेचर चाहिए थे किर्गिस्तान में। तो ख्याल रखिएगा आप भी, बेहतर है। कानून कहता है कि 24 घंटे के अंदर आपका वो कागज़ आपके हाथ में होना चाहिए, जिसको बेला कार्ता या वाइट पेपर कहते हैं। जो काम मैं करने के लिए आया था वो हो गया है। सर्बिया टूरिज़्म डिपार्टमेंट से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली और ये थैला उन्होंने पकड़ा दिया है, इसमें बहुत सारा लिटरेचर है, तो थोड़ा सा टाइम मिलते ही मैं इस लिटरेचर को पढ़ूंगा। पढ़ना इसलिए ज़रूरी है ताकि कुछ इन्फॉर्मेशन मिले और मैं वो आपको अकॉर्डिंगली शेयर कर सकूँ, ताकि ये चीज़ आपको बेनिफिट कर सके आपके ट्रिप में। इस स्ट्रीट का नाम है खनेज मिखाइलोवा, काफ़ी सारे टूरिस्ट यहाँ पर हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो टूरिस्ट के लिए हैं। फ्रिज मैग्नेट्स खरीद सकते हैं, मैंने अभी पता किया, 150 दिनार से लेकर 350 दिनार तक ये फ्रिज मैग्नेट्स मिल जाएंगे।
जब मैं प्राग में था, जब मैं वियना में था और जब मैं रोम में था, तो बहुत सारी ऐसी जगह थी इस तरह के बाज़ार, मैं आपको दिखाता हूँ, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। तो अभी बस कुछ देर यहाँ बैठूँगा इत्मीनान से और आप लोगों से बातें करूँगा, कुछ पढ़ूँगा। हवा बड़ी प्यारी चल रही है, मौसम बड़ा अच्छा है, करीब 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास में टेम्परेचर है। आसपास बड़े बड़े शोरूम्स हैं, पीछे लोग बैठ के खाना खा रहे हैं, मतलब अच्छा है, एक बड़ा पॉजिटिव सा, बड़ा अच्छा अच्छा एम्बियंस है यहाँ पर, अच्छा लग रहा है यूरोप आकर। आज मेरा शायद पहला दिन है जब मुझे एक यूरोपियन टूरिस्ट अट्रैक्शन का फील आ रहा है। अभी मेरे साइड से गुजरेंगे दो साइकिल पे जाते हुए लोग। हमारा जिस दिल्ली में चांदनी चौक है ना, उसका रीडेवलपमेंट होना है, हो चुका है शायद, और वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही बनाने का प्लान था, इस तरफ दुकान उस तरफ दुकान, और बीच में जहाँ पर रोड ट्रैफिक, मतलब जो व्हीकुलर ट्रैफिक है वो नहीं होगा, जहाँ पर गाड़ियाँ नहीं चलेंगी, सिर्फ चलेंगे तो पैदल चलने वाले लोग आएंगे जाएंगे, जैसे अब यहाँ पर है। कितना अच्छा लग रहा है, हवा कितनी प्यारी चल रही है, कोई चिल्ल पौनी है, हॉर्न नहीं बज रही है, सब कुछ बड़ा इत्मीनान से चल रहा है। हमारे देश में भी ऐसा होना चाहिए। खैर, जब तक नहीं है आप सर्बिया या यूरोपियन किसी ऐसी डेस्टिनेशन पर, आइए और एक्सपीरियंस करिए लाइफ के एक दूसरे तरह के अंदाज़ को। एक ऑफिस में आ गया हूँ, ये टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर है बेलग्रेड टूरिज्म का, और ये उसी स्ट्रीट पर है जो बहुत फेमस है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्ट्रीट, दिस पर्टिकुलर स्ट्रीट? कनेज मिखाइला। तो ये बेसिकली टूरिस्ट अट्रैक्शन है कनेज मिखाइलोवा स्ट्रीट, उसी स्ट्रीट पर ये है, और इसके आगे है एक किला, बड़ा फेमस है वो भी एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। इस सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा सस्ता है, 150 दिनार लगते हैं बस की एक टिकट परचेज करने में, और इस एक टिकट से आप ट्रैवल कर सकते हैं उस बस के एंड पॉइंट तक, चाहे आप एक स्टॉप या लास्ट स्टॉप तक जाएं, 150 दिनार लगेंगे। लेकिन अगर आप दिन में कई बसेस लेने वाले हैं तो 290 दिनार्स लगेंगे, और वो 24 आवर्स के लिए वैलिड होती है। अब वो जो टिकट होती है, इसको हम डे पास या डे टिकट बोलते हैं, वो कुछ खास दुकानों पर मिलती है, जैसे छोटी मोटी जो पनवाड़ी की दुकान नहीं होती ना, वैसी होती हैं, वैसी जगह पर मिल जाएगा उसको, आपको बोलना है, उसके ऊपर लिखा रहेगा बस प्लस कार्ता। उसके अलावा एक 3 दिन की टिकट भी है, वो भी बहुत सस्ती है, तो मेरे ख्याल से आप 1 दिन की टिकट लेके आप सफ़र करें तो ज़्यादा अच्छा है, बसों में ट्रैवल कर सकते हैं, लेस देन 300 दिनार। और यहाँ के जो इन्फॉर्मेशन सेंटर हैं, हमेशा इन्फॉर्मेशन सेंटर पर बहुत फ्रेंडली लोग होते हैं, यहाँ पर भी है। थैंक्स अ लॉट फॉर हेल्प, थैंक यू वेरी मच, वाला वाला। घूमते घामते एक मॉल में पहुँच गया, और क्योंकि मोबाइल चार्ज करना था, असल में आज मैंने मोबाइल चार्ज किया ही नहीं, मैं भूल ही गया रात को लगाना, तो मोबाइल चार्ज कर लेता हूँ बैठ के, और कुछ सर्च भी कर रहा था एक्चुअली काउच सर्फिंग पे। आज बहुत दिनों के बाद मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ बेलग्रेड में। आई टोल्ड यू डोंट स्पॉइल माय फेस, अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू वॉच इट। मैं जा रहा था, ये मोहतरमा अचानक मिल गई, उन्होंने कहा मैं आपका फेस ठीक कर देती हूँ, खासतौर पर ये जो ब्लैक हो रहा है। मैंने कहा कर दो, वैसे ही बहुत कमी है फेस ठीक करने के लिए लोगों की। लाइक या व्हाट डिड यू डू? Yes, yes. It's the first treatment. Every day you put when you wake up. I mean, if you look a lot to the monitor and computer, you do this and then. Yeah. You I don't sleep actually. I have not slept for many days. Really? So that's why this is happening. Yes, yes. Yeah. So cold. No sleep. Your mama, yes. My name is Varun. Varun. Yeah. How long do you stay in Belgrade? Today is my second day. Mm-hmm. And I am... Yeah. मैंने लगे हाथ पूरा अपना ट्रैवल प्लान बना लिया इनके साथ में। Yes. Wow. Yes. You look fresh. Yeah, I look fresh. And healthy. And healthy, yeah. Voila. Good morning. Thanks, thank you. Where are you? Yeah, here are you. Yeah. This is a small camera, yes. So just one person at a time. Yeah. Give you money. No. I know. For free. I know. For free.
So what is the name of this brand? Secrets. Secrets, age-defying products hain inke. And I told her that I charge money for promoting brands, but here, just because of you, I am going to say something for free. This was really good. Thank you. Your name is Yovana. Thanks a lot. And how much does it cost, by the way? 25,000 dinar. Oh, that's less than my fee. All right. But for 1 year, yeah. You. No? All right. So, thank you, Yovana. Thanks a lot. Bye bye. जिनको बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कुछ मुझसे डिफरेंट करवाने की, कैसा लग रहा है? मैं कैसा लग रहा हूँ? अरे वाकई यार, मेरी आँखें अब सही हो गई हैं. अच्छी चीज़ थी ये, अच्छा लगा. अब मन में कुछ खुराफात आ रही हैं. अब जो कोई भी रोकेगा ना, मेरे पास बहुत वक्त है. नौकरी छोड़ने का यही फ़ायदा होगा. जिसको रोकना रुकवा लो, मुझे जो मेरे साथ करवाना करवा लो, मैं सब करने को तैयार हूँ.